फ्यूचर्स की पिक्स। किरण जादव हमारे साथ है। किरण ने चुने चार बेहतरीन स्टॉक और चारों ही एक्चुअली मिड कैप स्पेस से, क्योंकि आप देखिए तेजी ही वहीं पर है। तो पहला स्टॉक लेते हैं किरण से और वो है बाटा। बताइए बाटा अनिल जी, बहुत ही अच्छे चार्ट पैटर्न में दिखाई दे रहा है। अच्छे कंसोलिडेशन के बाद ये स्टॉक आज निकलता हुआ दिख रहा है और वॉल्यूम भी बहुत अच्छा है, ओपन इंटरेस्ट एडिशंस भी बहुत अच्छी बनती नजर आ रही है। मेरा मानना है कि करीबन 600 का एक छोटा सा साइकोलॉजिकल बैरियर रहेगा, क्योंकि लास्ट स्विंग टॉप भी हम देखे तो वो भी करीबन जो मई 2016 में आया था वो भी करीबन 600 के करीब था। तो इन लेवल्स पे थोड़ा सा कंसल्ट करेगा, पर जिस तरीके का मोमेंटम है मुझे लगता है कि ये इजिली क्रॉस कर जाएगा। स्टॉप लॉस 588 का रखना चाहिए, 615 का टारगेट सोमवार या मंगलवार तक आ जाना चाहिए। ओके, तो बाटा में करें तेजी। आप ये राय हमारे एक्सपर्ट किरण जादव की, और उन्हें लगता है कि तेजी बन सके। इनफैक्ट अगर जीएसटी बिल पेश होने की डेट आ जाए तो फिर ये तमाम लेदर से जुड़े स्टॉक्स मजबूती दिखा सकते हैं, प्लाईवुड से जुड़े मजबूती दिखा सकते हैं, लॉजिस्टिक्स तो चलने ही है। तो ऐसे में बाटा में तेजी बन सकती है। एक 615 का लक्ष्य, 588 का स्टॉप लॉस। और किरण ये बताएंगे लेवल्स जो आप दे रहे हैं ये क्या कैश के समझे जाए या अगस्त फ्यूचर्स? नहीं नहीं अनिल जी, कैश के लेवल से। कैश के हैं, ठीक बात है। तो जब आप अगस्त फ्यूचर्स में ट्रेड करेंगे तो उस हिसाब से अपने टारगेट्स और स्टॉप लॉस को थोड़ा एडजस्ट कर ले, ये ठीक रहेगा, ऐसा मानना है किरण का। चलिए अगला स्टॉक तो आज का स्टार परफॉर्मर भी कहा जा सकता है, जिसको हमने बजर्स में भी डाला था, श्रीराम ट्रांसपोर्ट। 6% का बड़ा उछाल, नतीजे के बाद इसकी रफ्तार धीमी नहीं पड़ रही, जबरदस्त तेजी के साथ ट्रेड कर रहा है। ओपन इंटरेस्ट में देखिए 13% से ज्यादा जुड़ा हुआ है। तो क्या इतना भागने के बाद अब भी खरीद लें किरण? सेफ है ना? बिल्कुल अनिल जी, ये बहुत ही स्ट्रांग बाय रहेगा, और अगर इसका चार्ट पैटर्न देखते हैं तो कंसिस्टेंटली हायर टॉप हायर बॉटम कर रहा है, और पिछला जो स्विंग टॉप है इसने अभी इंट्राडे में क्रॉस कर चुका है और बहुत अच्छे वॉल्यूम्स के साथ। तो मेरा मानना है कि इधर से और भी बहुत बड़ी तेजी आपको देखने को मिल जानी चाहिए। तेजी के हिसाब से इजीली आपको 1365 के स्पॉट लेवल्स देखने को मिल जाने चाहिए, कैश लेवल्स देखने को मिल जाने चाहिए। पर इधर अगर कोई लॉन्ग पोजीशंस लेता है तो स्टॉप लॉस 1275 का रखना बहुत जरूरी होगा। परफेक्ट।